पंजाब पुलिस में अकाड़ पछाड़ के हवाले से आईजी पंजाब ने 143 डीएसपी के तकरारों तबादले कर दिए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं, उमर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, इन तकरारों तबादलों की वजह मालूम हो सकी? जी मानूर, जब आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने अपने ओहदे का चार्ज लिया था तो उन्होंने बरबला कहा था कि वो चेंजिंग करेंगे और उसके मुताबिक उन्होंने पहले फेज के अंदर आरपीओ और डीआईजी को चेंज किया था, दूसरे फेज के अंदर उन्होंने एसएसपी और एसपी को चेंज किया था और अब तीसरा फेज है जिसके अंदर उन्होंने 143 डीएसपी को चेंज किया है। जो डीएसपी चेंज हुए उनके अंदर गुलाम जाफर को डीएसपी सिटी सरगोधा लगाया है, एंटी रॉबरी मॉडल टाउन दाऊद अहमद को डीएसपी सदर सरगोधा तैनात कर दिया है, इसी तरह आशिक हुसैन को डीएसपी सदर मुजफ्फरगढ़, इरफान भट्ट को डीएसपी चमड़ियाल, कामरान अफसर डीएसपी हाईवे पेट्रोलिंग, फखर बशीर डीएसपी मिश्री शाह लाहौर, जमशेद इकबाल डीएसपी सिविल लाइन समेत ये 143 ट्रांसफर पोस्टिंग हैं जो उन्होंने आज के अहकाम जारी किए और तमाम ऑफिसर्स को फौरी तौर पर अपने ओहदों का चार्ज संभालने के भी अहकाम मिल गए हैं। शुक्रिया आपका उमर जावेद।